बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अवाम का टीवी। कल इरफान खान इस दुनिया से चले गए, आज रशीद कपूर। जी हाँ, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मशहूर एक्टर और सीनियर अदाकार रशीद कपूर की आज सुबह डेथ हो गई है। उनकी बीवी नीतो सिंह ने सुबह इंस्टाग्राम पे लोगों को इन्फॉर्म किया था कि रशीद कपूर इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। व्यूअर्स, रशीद कपूर ने 1970 में बॉबी फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था और बॉबी फिल्म इतनी हिट हुई थी कि उनको आगे चांस पे चांस मिलता गया और एक से एक बढ़ के हिट फिल्म वो देते गए। रशीद कपूर के बेटे रणबीर कपूर भी एक्टिंग में बहुत आगे हैं और बहुत फेम हैं। उनके फ्यूनरल में आलिया भट्ट बहुत अफसरदा नज़र आई। उनके फ्यूनरल में आलिया भट्ट ने, अभिषेक बच्चन ने, अमिताभ बच्चन ने, ऐश्वर्या राय ने और आमिर खान और इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। ऋषि कपूर को आज सुबह फ्यूनरल में फौजी एजाज के साथ अलविदा कहा गया। ऋषि कपूर 2 साल से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। 2018 में वो न्यूयॉर्क गए थे अपने इलाज के लिए और 2019 में वापस आए, काफी बेहतर हो गए। लेकिन जराए का कहना है कि रात से उनकी सांस में बहुत खराबी पैदा हो गई थी और वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। ऋषि कपूर ने 2 साल ल्यूकीमिया का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और आज सुबह उनकी डेथ हो गई। बेशक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा लॉस है कि कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर इस दुनिया से चले गए। जी हाँ व्यूअर्स, जिसने आना है उसने एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। ऋषि कपूर को फौजी एजाज के साथ अलविदा कहा गया। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।